मिर्जापुर के चिल्ह थाना क्षेत्र के धौरहरा में शिव मंदिर परिसर में हुए सेवादार की धारदार हथियार से हत्या मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या मंदिर पर आधिपत्य व जमीन कब्जे को लेकर की गई थी। महिला से संबंध का भी मामला सामने आया है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा किया। घटना चिल्ह इलाके के धौरहरा गांव की है, जहां पर 18 अक्टूबर 2020 की रात में शिव मंदिर परिसर में अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से मंदिर पर सो रहे सेवादार मुन्ना सरोज की हत्या कर दी। मृतक मुन्ना सरोज का शव मंदिर के दरवाजे के पास मिला था। सुबह इसकी जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने चिल्ह थाने में दो लोगों के खिलाफ हत्या करने की तहरीर दी थी, मगर पुलिस तफ्तीश के दौरान कातिल कोई और ही निकला। पुलिस ने गांव के ही संतोष सिंह, पाली और जर्सी को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू बरामद कर जेल भेज दिया है। देखिए, जो व्यक्ति मृतक था मुन्ना सरोज, वो लगभग 35 साल, उसकी हत्या 18/19 की रात को थाना चील अंतर्गत जनपद मिर्ज़ापुर में की गई थी। धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। उस धारदार हथियार को बरामद कर लिया गया है और पूछताछ से सामने आया है कि इन लोगों को लगता था, चूँकि इनकी पूर्वज की वो मंदिर था और आसपास ज़मीन थी और वहाँ पर काफ़ी वर्षों से काम करते करते उस पर आधिपत्य कर लिया था, इन लोगों को लगता था कि ये धीरे धीरे कब्जा कर लेगा। कुछ और भी कारण भी थे इसमें, जिसके वजह से पारिवारिक लोग जान गए थे और पारिवारिक लोग जानने वजह से सभी ने मिल करके एक राय होकर इसकी हत्या कर दी।